19वीं सदी खत्म होते होते एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ, कैथोड रे ट्यूब। इसने ट्यूब लाइटों को जन्म दिया, टेलीविजन को और कंप्यूटर मॉनिटर्स को, पर साथ ही साथ इसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी जन्म दिया। अब इसी कैथोड रे ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते 1895 में जर्मनी के दो वैज्ञानिकों ने गलती से एक्सरेज डिस्कवर करी, जिसके लिए कुछ सालों बाद उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1896 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने इसी कैथोड रे ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते गलती से रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी, जिससे बाद में एटम बम मुमकिन हुआ। 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब जब वैज्ञानिकों को गलती से मिलने वाली चीजों के लिए नोबेल पुरस्कार मिल रहे थे, तो शायद वो वैज्ञानिक जो ढूंढ के भी चीजें नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो दबाव में आ गए। ऐसे एक वैज्ञानिक फ्रांस की नैंसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, और एक दिन उनकी भी किस्मत जागी और उन्होंने भी एक नई तरह की रेज खोज ली, जिसका नाम उन्होंने दिया एन रेज। कच्ची लकड़ी छोड़ के दुनिया की हर चीज से एन रेज निकल रही थी, और इन एन रेज को देखने के लिए आपको चाहिए था एक एल्यूमिनियम का प्रिज्म, जिससे आप इन एन रेज को बिखेर सकें, एक खास तरह का धागा जो एन रेज से चमकेगा, और बेहद तेज आंखें। अगले 3 सालों में 100 से ऊपर फ्रेंच वैज्ञानिकों ने एन रेज के ऊपर 300 से ऊपर आर्टिकल लिखे। समस्या तब आई जब फ्रांस के बाहर जर्मनी और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एन रेज का एक्सपेरिमेंट दोहराने की कोशिश करी, तो ना तो एन रेज निकली और ना धागा चमका। एक अमेरिकी वैज्ञानिक तो नैंसी यूनिवर्सिटी पहुंच गए, और जब वहां पे भी फ्रेंच वैज्ञानिकों को एनरेज नजर आती रही और इनको एनरेज नहीं नजर आई, तो इनका माथा ठनका। फ्रेंच वैज्ञानिकों का कहना था कि भाई अमेरिकन वैज्ञानिक की नजर इतनी तेज नहीं है जितनी एनरेज देखने के लिए चाहिए। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चुपचाप उठा के प्रिज्म अपनी जेब में डाल लिया, और उसके बावजूद जब फ्रेंच वैज्ञानिकों को एनरेज नजर आती रही, तो माजरा साफ हो गया कि एनरेज सिर्फ फ्रेंच वैज्ञानिकों के दिमाग में ही थी। तो बहुत बारी हम कुछ चीजों में इस कदर विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि उनके सत्य ना होते हुए भी उनके सत्य होने का प्रमाण हम खोज लेते हैं। अब ये चीजें राजनीति से भी संबंधित हो सकती हैं, रिलीजन से भी, और हमारे रहन सहन और खाने पीने से भी। तो जब भी हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य आए जो हमारी आज तक की धारणा को चुनौती देता है, तो बजाय इसके कि हम उस तथ्य को नकार दें, हमें अपनी धारणा को करीब से जांचना होगा। तो सोचिए, समझिए और शेयर करिए।